हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपांशु हंस और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि है ए रोड ट्रिप टू स्विट्जरलैंड। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्विट्जरलैंड के नज़ारे, बट उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरा लास्ट वीडियो अपलोड होते ही मेरे 500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस आइए मेरे साथ, आपको स्विट्जरलैंड के नज़ारे दिखाते हैं। चलो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज मैं आपको लेके जाऊंगा स्विट्जरलैंड। आइए मेरे साथ स्विट्जरलैंड की वादियों में। जैसा कि आपने देखा, हमने कार ये रेंट पे ली थी। यहाँ पे कार रेंट पे लेना बहुत ही चीप पड़ता है। हमें ये कुछ पड़ी थी 100 यूरो एक दिन का विदाउट पेट्रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। और हमारी ये कार कुछ फॉर्ड कंपनी की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। आइए आपको दिखाते हैं आगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिप है। आइए आगे। Thank you.
खाओगे थे ना वादियों में, क्यों नहीं खाओगे, स्विट्ज़रलैंड जगह ही कुछ ऐसी है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको आगे कि यहाँ पे कार रेंट कैसे करते हैं जर्मनी में। तो गाइस अगर आप यहाँ नए नए आ रहे हो, फर्स्ट 6 months तो आपका इंडियन लाइसेंस वैलिड रहता है, अपना जो नॉर्मल इंडियन लाइसेंस रहता है, आप इससे कार आराम से रेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं, जो कि इस तरह की अगर कुछ होता है आपके पास, अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप 1 साल तक यहाँ पे इजीली कार रेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो फिर आपको आपका यूरोपियन लाइसेंस चाहिए, तो ही आप गाड़ी रेंट कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल के बाद हमारे इंडियन लाइसेंस यहाँ वैलिड नहीं रहते हैं। तो गाइस आइए आपको और आगे स्विट्ज़रलैंड के नज़ारे दिखाते हैं, चलो। स्विट्ज़रलैंड का एक्सपीरियंस, मैं आप सबको एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन फ्यूचर कभी जर्मनी आते हैं एज ए स्टूडेंट, या फिर घूमने, या फिर कोई भी नेबरिंग कंट्री में यूरोप में, तो कार ट्रिप ज़रूर करें। स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही मज़ेदार रहता है, ट्रिप ज़रूर करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। सी यू गाइस।